अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है जनाब सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी फ्रेंड्स, जो फरवरी का मंथ होता है ये सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी प्लांट की कटिंग के लिए, रीपॉटिंग के लिए या उनकी प्रूनिंग के लिए। तो अगर आपने भी अपने रोज़ के प्लांट की अक्टूबर नवंबर में कटिंग नहीं की थी तो अब बेस्ट टाइम है आप इनकी कटिंग कर लें। लेकिन इस वक्त जो आप कटिंग करेंगे वो हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, बस आप थोड़ी सी ऊपर से 2 से 3 इंच की कटिंग कर देंगे। क्योंकि इस टाइम अगर आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे रोज़ प्लांट की तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा इनकी ग्रोथ होने में, और फ्लावरिंग पे आते तक इनको काफ़ी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इनकी जो फ्लावर है वो काफ़ी कम होंगे और साइज़ में भी छोटे होंगे। तो इस टाइम आप जो प्रूनिंग करेंगे बिल्कुल 2 से 3 इंच तक प्रूनिंग कर दें अपने प्लांट की। तो जी अगर आपके भी गुलाब पे ज़्यादा फूल नहीं आते या बहुत कम आते हैं, कलियाँ बन के गिर जाती हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं, और ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर है जो आप फरवरी मार्च में अपने प्लांट्स को देंगे, स्पेशली रोज प्लांट को, तो इससे आप मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके प्लांट्स पे जो है शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। अगर तो आपके प्लांट पे इस तरह की छोटी छोटी कोंपलें निकलना शुरू हो रही हैं, छोटी छोटी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो मतलब आपका प्लांट हेल्दी है। लेकिन अगर आपके प्लांट पे शूटिंग ही स्टार्ट नहीं हुई तो इसका मतलब है आपका प्लांट जो है रूट बाउंड हो चुका है। और रूट बाउंड होने की एक और निशानी ये होती है कि जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल आपके जो ड्रेनेज होल है उसमें से भी निकल के बाहर तक आ रही होती हैं। तो जब आपके प्लांट को मैक्सिमम रूट ग्रोथ ही नहीं मिलेगी, वो फूड ही नहीं ले सकेगा, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है तो आप उसको गमले से निकालें और उसकी थोड़ी सी नीचे से जो रूट्स है वो ट्रिम कर दें ताकि इस पर न्यू रूट्स बने। और जैसे ही न्यू रूट्स बनना शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि जो ऊपर का आपके प्लांट्स की स्टेम्स है वो भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी और उनमें भी जो है शूटिंग आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, और जो न्यू शूट्स निकलेंगी फिर उन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो ये करेंगे आप कि आपने अपने प्लांट में से सारे डेड एंड्स जो हैं रिमूव कर देने हैं। मतलब आपका जो फ्लावर एक दफ़ा अपने लाइफ कंप्लीट कर चुका है और उसकी पेटल्स बिल्कुल गिर चुकी हैं, तो आपने क्या करना है उसको लास्टली कट डाउन करना है। क्योंकि अगर आप उसको लगा रहने देंगे तो फिर ये मतलब आपकी जो शूट है ये ऊपर से बिल्कुल डेड एंड पे होगी, इसके ऊपर इसकी ग्रोथ जो है और पॉसिबल नहीं होगी। तो आपने साथ साथ अपने जितने एक्सपायर्ड फ्लावर्स हो चुके हैं इनको साथ साथ कट लाजमी करते रहना है। जैसे ही आप कट करेंगे तो उसके नीचे से न्यू शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। और इन डेड फ्लावर्स को रिमूव करने की एक और वजह ये भी है कि अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तो प्लांट्स जो है कुछ अरसे बाद इसमें सीड पॉट बनाना शुरू कर देगा, और जैसे ही सीड पॉट जो है बनना स्टार्ट होगा तो फिर प्लांट की सारी एनर्जी जो है इसी सीड पॉट के सर्वाइवल में गुजर जाएगी और इस पे न्यू बडिंग्स आना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपने सीड पॉट्स और डेड फ्लावर्स फौरन रिमूव कर दें इस टाइम पे ताकि मैक्सिमम टाइम जो मिल सके वो फ्लावर्स को है, कलियों के लिए और फूलों के लिए मिल सके, और प्लांट जो है अपनी सारी एनर्जी जो है वहाँ पे यूज़ करें। डेड एंड्स के बाद जो है सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है रोज़ में वो होता है इनकी सकर्स का। अगर आप प्लांट में देखें आपके पास कोई ऐसी शूट है जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और जिसपे अभी तक कोई कली नहीं लगी और वो रूट से निकल रही है, तो मतलब वो आपकी जो सकर है वो है। इसे आप वो डेड शूट भी कहते हैं, फॉल्स शूटिंग भी कहते हैं। ये देखिए, ये इसकी जो ग्रोथ है ना ये आम प्लांट से, जो आम रोज प्लांट है उससे डबल होती है, मतलब बहुत स्पीड से ये ग्रो करती है। और हमारी मिट्टी से सारे मिनरल्स ये सकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इनको सकर प्लांट कहा जाता है। तो आपने अपने प्लांट्स को अच्छी तरह इस मौसम में आप देख लेना है कि जितनी भी इनकी सकर शूट्स हैं आपने उनको कट कर देना है ताकि जो हमारी सारी फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, जो सारी एनर्जी है वो हमारे असल प्लांट को मिल सके। तो जी आते हैं अब हम फर्टिलाइजर की तरफ कि रोज़ प्लांट को कौन सी फर्टिलाइजर हम फरवरी मार्च में दे सकते हैं। तो जी ये तो आपको पता है कि रोज़ प्लांट जो है एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। इसकी जब हम मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तो वो ऑब्वियसली किचन कंपोस्ट से और मस्टर्ड केक से फुल होती है, उसमें हम काउ डंग भी ऐड करते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसको फरवरी जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें इसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, क्योंकि अब जो इसका फुल ब्लूमिंग का सीज़न है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी अच्छी तरह से गोटी कर लेंगे। ये देखिए, आप मेरी अगर ज़मीन देखें तो आप देखेंगे कि इसमें कितना ये मॉइस्चर है, ये ना बहुत ज़्यादा गीली है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है और इसमें रेत की भी काफ़ी मिकदार मैंने मिलाई हुई है। तो बिल्कुल आप इसको चिकनी मिट्टी में नहीं लगाएंगे, इसको आप बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाएंगे जिसमें इसका पानी एब्जॉर्ब होता रहे साथ साथ। तो रोज़ प्लांट को देने वाले जो इस मौसम में सबसे अहम फर्टिलाइज़र हैं वो दो हैं जो हमारे घर में भी आम तौर पे मौजूद होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र दिया है, आप कॉफ़ी पाउडर भी दे सकते हैं। चाहे तो आप कॉफ़ी को पानी में घोल के 2 से 3 घंटे के लिए रख लें और फिर आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दें।
तो एक हफ्ते बाद आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप चाय की जो ड्राई पत्ती होती है उसके भी 2 से 3 चम्मच आप अपने प्लांट में ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास बोन मील का फर्टिलाइज़र है तो वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है इस टाइम पे। तो आप अच्छी तरह गोटी करने के बाद 1 चम्मच भर के एक प्लांट में बोन मील ऐड कर दें। बोन मील का सबसे बेस्ट जो है वो फ़ायदा ये होता है कि इससे जो आपके फूलों का साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और आप इसे जो फर्टिलाइज़र है बोन मील का या कॉफ़ी का, ये आप दोनों तरह के जो है रोज़ प्लांट हैं उनमें दे सकते हैं, चाहे वो आप देसी वाले हों या आपके इंग्लिश हो क्राफ्टेड प्लांट हो, तो दोनों के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र दें और आप एक हफ्ते बाद इन फर्टिलाइज़र को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। तो जी आखिर में हम डिस्कस करते हैं एक मेन प्रॉब्लम जो बहुत से लोगों को पेश आता है कि उनके जो रोज़ प्लांट होते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि जी चलते चलते अचानक हमारे रोज़ प्लांट जो बिल्कुल डेड हो गए हैं, सूखना शुरू हो गए हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि आपकी ज़मीन में से उसकी रूट्स को फंगस लग चुका है। और फंगस लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो रोज़ प्लांट जो है इसको बिल्कुल जो डंप सॉइल है वो पसंद नहीं है, इसकी जो खुश्क हल्की हल्की खुश्क ज़मीन होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप एक दिन अपने पॉट में पानी भरें और दूसरे दिन आप उसको खाली अपने प्लांट को शावर कर दें। और अगर आपके प्लांट पे ऑलरेडी फंगस का अटैक हो चुका है तो फिर आप क्या करें, अपने प्लांट की गोटी करके उसको एक दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दें और फिर उसमें आप थोड़ी सी नीम खली डाल दें। और नीम जो है बेस्ट है फंगस रिमूव करने के लिए, उम्मीद है इससे आपके प्लांट को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जाते जाते जनाब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।